मस्जिद मौजूद है मुमरा के दारुल फला मस्जिद के सामने। आज ईद मिलादुन्नबी है और ये जो स्लोगन्स यहाँ पर महिलाओं ने भी उठा रखे, आगे जेंट्स ने भी उठा रखे हैं, तो ये स्लोगन्स आप देख रहे हैं इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है, हदीस है, वो सभी लिखी हुई है। अभी जैसे कि आप ये देखेंगे कि कर्जा कम करो, आज़ादी की जिंदगी गुजारो, अगर तुम किसी से अच्छी बात ना कर सको तो चुप रहने में भलाई है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम दूसरों पर खर्च करते रहो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। तो ये चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह के हदीसें भी लिखे हुए, उन्होंने क्या फरमाया वो लिखा हुआ है। और दीन इस्लाम को लेकर और हुजूर नबी करीम को लेकर ये एक अनोखा मैसेज उमरा को समय देने की कोशिश की गई है। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, और सबसे ज्यादा जो उसमें निशाना बनाया जा रहा है वो मुस्लिम कौम को बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पे भी आप देखेंगे कि उस शख्स के लिए बर्बादी है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले। तो ये छोटे छोटे जो मैसेज है वो नबी करीम ने अपनी बातों के जरिए दिए, और आज जो इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये देखिए ये चंद ही मैसेजेस अगर हम देखेंगे तो हदीस की ऐसी कई बड़ी बड़ी किताबें हैं और हम तो उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है। जो कुछ हमको हमारे जानने जो हमारे बड़ों से पहुंचा, जो हमारे जो कांटेक्ट में जानकार लोग हैं, दीन को जानने वाले, उनसे पहुंचा, तो वो कहते हैं कि अगर दीन को समझने जाया जाए तो शायद बे के नुकते को समझने के लिए पूरी रात निकल जाए। बहुत सी चीजें लिखी हुई और इंग्लिश में इसलिए लिखा गया है कि गैर मुस्लिम भी इसको पढ़ ले, ये उर्दू में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये इसलिए लिखा है कि ये जबान हर कोई इससे। और अब ये देखिए, ये भी चीजें लिखी हुई है, अंग्रेजी में भी लिखी हुई है, ट्रस्ट अल्लाह बट टाइयर के मल, अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन अपने ऊंट को बांधो, यानी कि लॉजिक भी बताया गया, अच्छी बात जुबान से निकालना खामोशी से बेहतर है। तो ये भी चीजें मैसेज दिया गया और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज। तो जैसे आप देखते हैं कि इस्लाम को पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था तो गैर मुस्लिम भाइयों ने मुझे कुछ घंटे पहले ले लिया था उन्होंने दही हंडी का पर्व, और अभी इस बार इसी चीज को देखते हुए मुस्लिमों द्वारा ये फैसला किया गया कि ईद मिलादुन का नबी का जुलूस जो आज निकलना था, जो हमेशा इसी दिन निकलता है ईद मिलादुन नबी के दिन, उसे अगले दिन निकाला जाए। तो खैर ये एक धार्मिक शौक की मिसाल भी दी गई है और इसी को देखते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन जो बात चल रही है कि जिस तरह से इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है और जो नफरती लोग आखिर क्यों इस्लाम को निशाना बनाते हैं, तो कल हमारे जानने वाले थे, उन्होंने जब उनसे ये बात पूछी किसी ने तो उन्होंने यही बात कही, वो काफ़ी जानकार है दीन की, उन्होंने कहा कि अगर गहराई में जाया जाए तो नबी करीम का वो आखिरी खुतबा जो उन्होंने हुज्जतुल विदा के मौके पर दिया था कि दीन मुकम्मल हो गया है, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, यानी कि जो अरब वाले और अरब के पार वाले, किसी को किसी पर फोकियत नहीं, यानी कि कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, किसी अमीर को किसी गरीब पर फोकियत नहीं। तो शायद यही वो जुमला है, यही वो एक बात है नबी करीम की और इस्लाम का यही एक उसूल कि सभी बराबर है। और वो एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो शायद यही वो बातें हैं, यही वो हदीस है, यही वो सेइंग्स है जो शायद इन नफरती लोगों को खलती है जो हमेशा से कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम इस देश में लागू करना चाहते हैं, उस चीज का सिस्टम लागू करना चाहते हैं। करबला की मिसाल आपके सामने है, करबला में हुजूर नबी करीम के नवासे इमाम हुसैन ने जो सबक दिया और उसके बाद ये बात चली, कहने वालों ने कहा कि यजीद किसी एक शख्स का नाम नहीं है, हर वो शख्स जो जुल्म कर रहा है, हर वो शख्स जो जुल्म के साथ खड़ा है वो यजीद है। तो बिल्कुल उसी तरह किसी भी धर्म से किसी नफरती का, किसी ऊंच नीच जात वाले का कोई ताल्लुक, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक करता है, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, ऊंच नीच करता है, इंसानों में भेदभाव करता है, तो वो खुदा की नजर में जालिम है और वो हर मजहब से खारिज है। तो खैर ये मैसेज दिया गया है, हमने इस तालुक से युवा नेत्री मर्जिया पठान और पूर्व नगर सेवक अशरफ पठान शानू से बात की है, उन्होंने क्या कहा है देखिए। मैडम ये स्लोगन्स यहाँ पर सभी ने उठा रखे हैं और इस पर कुछ हुजूर के फरमान लिखे हुए हैं और दीन इस्लाम को लेकर बातें लिखी हुई है, क्या मैसेज है इस रैली का? अस्सलाम वालेकुम, आज ईद मिलादुन नबी है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने सोचा कि हम हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कई भी बातें हैं, जो उनकी हदीसें हैं, जो उनकी सेइंग्स हैं, जो उन्हें नसीहतें दी है, उसको हम अपने हाथों से लिख कर लाए हैं। कई सौ हमने ऐसे कार्डबोर्ड्स पर लिखा हुआ है,
कि हम लोगों को एनकरेज करें कि हम अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो सिर्फ कोई एक समाज को लेकर या किसी एक कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, वो पूरे जहान के लोगों के लिए है, जहान के लोगों के फायदे के लिए बातें की गई है। जैसे आप सोशली जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, आपको धोखा मत दो, बिजनेस कैसे करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, अपनी बीवी बच्चों के साथ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, दोस्तों से कैसा बिहेव करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में उन्होंने नसीहत दी। आप क्या खाइए, क्या पीजिए, कैसा पीजिए, सबके बारे में नसीहत है जो लोगों की जिंदगियों में सोशली उनको फायदा पहुंचाती है। तो ये आज का जो माहौल चल रहा है इसमें लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, एक बहुत नेगेटिव माहौल है। तो उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम कैसे पॉजिटिवली जिंदगी जी सकते हैं, लोग कैसे पॉजिटिवली जिंदगी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो हमने उसी को लिख कर लेकर आए हैं हम लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आप इसको फॉलो कीजिए, और इंशाल्लाह आपसे हर साल हम ऐसी क्रिएटिव चीजें करेंगे जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम आगे एनकरेज कर सके। प्रॉफिट फॉर ऑल, कुरान फॉर एवरीवन। लेकिन दुनिया में जिस तरह से लोगों के जो तरबियत हो रही है, लोगों का जो कैरेक्टर है, कहाँ छूट हो रही है कि कुरान फॉर एवरीवन और प्रॉफिट फॉर ऑल का मतलब नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी सबकी तरबियत और इस पे तो अलग अलग समाज है, अलग अलग लोगों की कल्चर है, वो फॉलो किया जाता है। बट जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो चीजें लिखी है, जो चीजें बोले, वो पूरे जहान के लोगों के लिए। एक सोशल मैसेजेस भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दिए कि आप बिजनेस कैसे करें, ये छोटी छोटी चीजें जो है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। आप अपने घर में कैसे रहे, अपने दोस्तों से कैसे रहे, बाहर जाए तो ऊंची आवाज में बात ना करें, नीचे आवाज में बात कीजिए, अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ाइए, कैसे बढ़ाइए, क्या पीजिए, दूध पीजिए, जो भी सारी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ जीने के तरीके बताकर आप उसको हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ में बहुत पॉजिटिव अप्रोच आएगा सबके। मैडम, लीडरशिप को लेकर भी काफी मैसेज है हुजूर पाक के, तो उस लीडरशिप को किस तरह से मुसलमानों ने फॉलो करना चाहिए, जो उनके बताए हुए तरीके? एक बात बोलो जी, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई सहाबा जब बाजारों में जाते थे तो लोग उनके बाद तंज करते थे कि इनके वही नबी है जो बैतुल खला, बाथरूम या इस्तंजा कैसे करते हैं ये बताते, पेशाब कैसा बोला जाता। तो सहाबा और बड़े बड़े और आलिम दीन, उनका यही जवाब रहता था कि हाँ, हमारे ही वो नबी है जो बादशाह मतलब लीडरशिप कैसे करते और बाथरूम कैसे करते ये भी बताते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें कही है वो दुनिया की भलाई के लिए की है, क्योंकि उनके ऊपर खिताबी रहमतुल आलमीन था। तो इसलिए उनकी जो भी बातें वो इंसानियत के भलाई के लिए, जो उसे अपनाएगा वो कामयाब हो जाएगा।